हे गाइज, इट्स मी चेतना। वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत दिनों के बाद चैनल पे मैं वीडियो लुक क्रिएट करने वाली हूँ। कौन सा, वो आपने टाइटल में और थंबनेल में देख लिया है। आज हम लोग करेंगे इंडियन मेकअप लुक, क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। अभी गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, उसके बाद में दिवाली भी है। एक्चुअली ये वाला वीडियो ना मुझे राखी के पहले ही बनाना था, बट मैं बना नहीं पाई, तो कोई ना अब बना लेंगे। ये जो भी मेकअप लुक मैं क्रिएट करूँगी बहुत ही सिंपल होगा, उसमें अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी और ट्राई करूँगी कि कम प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। इसको जाने दो। हाँ, मतलब बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी तो आपको सबके लिए वो अवेलेबल इजीली हो जाएंगे, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स। और जो भी प्रोडक्ट्स है सारे मैंने अमेजोन से लिए, और अमेजोन पे अभी फैशन मेगा डील सेल चालू है, तो खरीदने का तो ये बेस्ट मौका है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे डील्स मिल जाएंगे आपको, क्लोथिंग के ऊपर भी, ब्यूटी के ऊपर भी। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप ये वाले सेल में खरीद लो, क्योंकि बहुत अमेजिंग डील्स है। अगर आपको ये वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हो। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, और ये वाला क्लिप मैं यूज़ करूँगी। ये मैंने क्लॉ क्लिप 6 आए थे टोटल, ये एक ही सेट था, और ये भी मैंने अमेजोन से खरीदा। इसकी लिंक्स भी, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो एज यूजुअल मैं मेरे मेकअप से पहले स्किन केयर करूँगी, क्योंकि मेकअप बहुत देर तक लास्ट करता है इसके लिए। और सब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि स्किन केयर इज द की फॉर लॉन्ग लास्टिंग एंड ग्लोइंग मेकअप, तो वही करेंगे। मैं ये पिलग्रिम का विटामिन सी का टोनर है, ये वाला यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा एंड हाइड्रेटिंग है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस डॉक्टर शेड सिरामिड एंड वाइटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। एक्चुअली मेरी स्किन है ऑयली टाइप में, इसके लिए मैं जब भी कौन सा भी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ ना, फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। बट अभी रिसेंटली मैंने सेल में ही खरीदा है अमेजोन के, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो थोड़ा सा ही लूँगी बस। ये स्किन हमारी जब डैम्प होती है ना, तभी हमें यूज़ करना चाहिए। और मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत दिनों से, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि डॉट एंड की विटामिन सी ये वाली जो सनस्क्रीन है SPF 50 PA++++, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और काफ़ी अच्छी है मतलब, और अफोर्डेबल भी है। टू फिंगर्स रूल। ये जल्दी ना एब्जॉर्ब भी हो जाती है। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ लिप बाम, ये डॉट एंड की का लिप बाम है, और यही लिप बाम मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो ये वाला लिप बाम, नहीं तो वैसलीन। बस इतना ही स्किन केयर है जो मैं हर मेकअप के पहले करती हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक मेकअप, इंडियन क्लासिक मेकअप लुक, जो आप सारी फेस्टिवल्स में कर सकते हो और आप कभी भी कर सकते हो, बहुत इजी है। तो सबसे पहले मैं आज यूज़ करूँगी प्राइमर। तो एक्चुअली प्राइमर में मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि ये मुझे कोलैब में आया था रीने का बॉलीवुड फिल्टर, और मुझे यही बहुत पसंद है, और ये बहुत दिनों से यूज़ भी कर रही हूँ, अभी तक नया का नया ही लग रहा है, क्योंकि बहुत थोड़ा यूज़ करना होता है इसके वजह से। इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लेट मी शो यू। इसके रिजल्ट्स ना बहुत क्लियर एंड विजिबल है, सी बहुत अच्छा है ये वाला। पहले मैं प्राइमर बिल्कुल भी यूज नहीं करती थी, बट मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, इसके वजह से अभी करने लगी हूँ। अगर आपने अभी तक कौन सा प्राइमर यूज़ नहीं किया है ना, तो ये रीने बॉलीवुड फिल्टर का प्राइमर बहुत अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर को पहले थोड़ा गीला कर दूंगी। ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे हैक्स है मेकअप्स में, कि इससे मेकअप बहुत अच्छा लगता है, फ्लॉलेस।
तो ऑलमोस्ट जितने भी मैंने देखे सारे लोगों को ज्यादातर कंसीलर बेस्ट लगता है अप्लाई करने के लिए, बट मुझे ये फिटमी का फाउंडेशन बहुत अच्छा लगता है यूज करने में, क्योंकि ये बहुत मुझे कंसीलर से भी ये बहुत ऐसे लाइट लगता है यूज करने में, तो मैं सिर्फ यही यूज करती हूँ। और ये मैं थोड़ा सा लूंगी बस एक पम्प। और एक हैक जो मैं यूज करती हूँ वो है कि मैं इसमें फाउंडेशन में कौन सा भी मॉइस्चराइजर या फिर फेस ऑयल मिक्स करके ही लगाती हूँ, फिर वो बहुत ज्यादा ग्लोई लगता है और लाइट भी लगता है, ऐसे केकी नहीं लगता ज्यादातर, तो इसमें मैं यूज करूंगी। ये ग्लो रिस्टोर फेस ऑयल है जो बहुत अच्छा है और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। एक बस इसके मैं 2-3 ड्रॉप्स ही लूंगी, ज्यादा नहीं, एक ड्रॉप भी बहुत हो जाता है वैसे तो। देन से अच्छे से मिक्स करेंगे। कैन सी कि फाउंडेशन कितना अच्छे से लग गया है। और अगर आप चाहो तो इसके बाद में कंसीलर लगा सकते हो, बट मैं कंसीलर स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ। अभी हम लोग सीधा आईब्रोज करते हैं। पहले आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल है, और ये ब्राउन कलर में, ब्लैक मुझे पसंद नहीं है इसके लिए मैं खरीदती नहीं हूँ ब्लैक वाला। ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है और बहुत मिलता जुलता शेड है आईब्रो से, तो बहुत नेचुरल लगता है। बस ज्यादा नहीं यूज करेंगे। आईज के लिए आज मैंने सोचा है कि बहुत ही सिंपल स्मोकी लुक क्रिएट करेंगे जो बहुत इजी भी होता है, तो इसके लिए ये ब्राउन काजल है, दिस इज फ्रॉम फेसेस कैनेडा और मैग्नेट आईज काजल ब्राउन कलर। ये मुझे फोन में नहीं होगा करने को, मैं करके आती हूँ। आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये शुगर वाला, मेरा मोस्ट फेवरेट पैलेट, आपने देखा होगा मैं यही ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा बहुत खराब हालत हो गई है, बहुत न्यूड कलर से, तो फर्स्ट मैं ये लाइट ब्राउन यूज करूंगी। मिरर इसमें भी है। देन आई एम यूजिंग दिस डार्क ब्राउन शेड। ब्राउन स्मोकी आए ना एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी भी है और सेफ साइड है, क्योंकि ब्लैक कभी कभार बहुत थोड़ा डेंजर भी लगता है, पता नहीं अगर वो ऐसे इधर उधर हो गया थोड़ा भी तो वो अच्छा नहीं लगता है, बट ब्राउन काफी न्यूड एंड इलिगेंट लगता है और क्लासी भी लगता है, तो मुझे ज्यादा ब्लैक से ज्यादा मुझे ब्राउन ही पसंद है, और ये ज्यादातर ना सारे आउटफिट्स पर इजीली चला जाता है। अभी ये ब्रश से मैं थोड़ा सा मर्ज करूंगी, और ये वाले जो ब्रश का पूरा सेट लिया था मैंने, ये है अर्बन मैक्स से और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी थे, अगर आपको ऐसे ही चालू ब्रश चाहिए तो आप इसे खरीद सकते हो। ओके, देन वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज लाइनर एंड सेकेंड इज काजल। लाइनर किसी के पास नहीं होगा, हम लोग ऐसे कंसिडर करते लाइनर सबके पास नहीं होता है, बट काजल सबके पास अवेलेबल है, तो आप इसे इसके बाद काजल अप्लाई कर सकते हो। मैं भी ज्यादातर काजल ही प्रेफर करती हूँ। बाय द वे, ये मेकअप मैं इतने बार कर चुकी हूँ ना कि ये मेरा सिग्नेचर मेकअप हो गया है, जब भी मैं वीडियो भी शूट करती हूँ मैं सेम मेकअप करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हमारी लास्ट स्टेप है जो हम लोग लगाएंगे मस्कारा आईज के लिए। अभी दो ऑप्शन है, एक स्वीज ब्यूटी का है मेरे पास एंड एक मेबलिन का है। ये स्वीज ब्यूटी का जो मस्कारा है ना, ये इसका ये कुछ ऐसा है ब्रश, और ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये इजीली वॉशेबल है। नेक्स्ट ये वाला है मेबलिन का कोलोसर वाटरप्रूफ मस्कारा, बट ये निकालने में ना बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए मैं इसे बहुत कम यूज करने लगी हूँ अभी। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ ये अर्ध रिदम का लिप एंड चीक टिंट है, ये मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है, बस इसको मैंने 2-3 बार यूज कर लिया है और बहुत अच्छा है। ये काफी ओवर हाइप था इसके वजह से मैंने खरीदा था, तो इसको मैं एज अ ब्लश यूज करूंगी, बस थोड़ा थोड़ा ही लेती हूँ पहले। लगा देती हूँ।
बहुत ज्यादा इजीली ब्लेंड भी हो जाता है। आई थिंक इतना ब्लश काफी है। नेक्स्ट ये जो भी मेकअप मैंने किया है ये मैं सेट करूंगी। ये है मास ब्रांड से, अभी ये ब्रांड का नाम भी हट गया है। मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ और अभी तक चल रही है। ये लूज बनाना पाउडर है और इसे हम लोग सेट कर लेंगे अच्छे से। लिपस्टिक इज दी लास्ट स्टेप और इसमें मैं यूज कर रही हूँ 130 कोका मोका। ये लिक्विड लिपस्टिक है प्लम से और ये स्पीज ब्यूटी की, इसका 11 चोकोलावा ये वाला शेड है। ये दोनों लिपस्टिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए मेरे रिसेंट वाले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो। ये मैं मिक्स करके लगाती हूँ। ये ना अभी मैंने रिसेंटली सीखा है कि लिपस्टिक को डैब करके लगाते तो ये काफी नेचुरल लगता है। ओके सो मेकअप इज डन, मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। सो आई होप कि मैंने ये मेकअप लुक अच्छा किया है, फेस्टिव के लिए आपको बहुत काम आ जाएगा। एंड अगर आपको कुर्ता सेट्स की वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट ही वो वीडियो अपलोड किया है कि वो सारे कुर्ता सेट्स आपको फेस्टिव के लिए बहुत यूजफुल है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है। तो अगर आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब भी कर दो। एंड मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।